हुए हैं। अच्छा, इंडिया कैसा लगता है? आई लव इंडिया। हमें में से किसी को भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए सिरे से, और मैं इंडिया जाना चाहूंगी। मियां साहब ये कह रहे हैं कि तीन दफा मियां साहब जो है ना वो बकवास कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे। अगर जियोग्राफिकली इंडिया भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरह चाइना वगैरह है, लेकिन जारी सी बात है उनसे हमारा एक ट्रेडिशनली उनसे एक क्लैश चल रहा है। ट्रेडिशनली क्लैश क्यों है? वो बस उसकी वजह अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम कुछ उनको नहीं एक्सेप्ट करते, वो स्पेस नहीं देते। अभी हमारे वहाँ पे जो मुस्लिम के साथ सलूक हो रहा है बहुत गलत बात है। यहाँ पे जो है वो इंडिया में, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो माइनॉरिटी है, मुसलमान बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको राइट्स हिंदूज हैं उतने ही हैं और उनको राइट्स भी मिलते हैं। नहीं मिलते जितने यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान में इधर मुसलमानों को क्या राइट्स मिल रहे हैं इस वक्त? इंडिया में महंगाई नहीं है इतनी, यहाँ पे बहुत है। 150 रुपए का थोड़ी मिलता है यार, क्या हो गया है? फिर कितने का मिलता है वहाँ पे? हमें तो 50 रुपीज में चना चाट मिल जाती है, यहाँ तो 150-200 में मिलती है। कहाँ से? इंडिया से, मुंबई से। मुंबई से यहाँ कैसे आ गई आप? मेरा एडमिशन करवाना है यहाँ पे। और नवाज शरीफ ने बात की है कि हमें इंडिया के साथ ना अच्छे रिलेशन करने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे है, नवाज शरीफ अपनी बात कर रहे हो। आपके रिलेशन? मेरे भी दोस्त है इंडिया के, बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं उनके साथ। Your name is Jeria, my name is Radha. राधा। इंडिया हमारे से आगे नहीं, हमारे से आगे तो बांग्लादेश भी चला गया। उनके हमारे 2800 रुपए है, उनका 1% है। मेरा ख्याल है हमें सबको पानी के नीचे रहना चाहिए और जमीन पे रहने का कोई सीन नहीं है। वैसे भी कराची पाकिस्तान से नीचे है। हाँ। इंडियन अच्छे लगते हैं। आई एम इंडियन, आई एम प्राउड इंडियन। कैसे लगते हैं? आई डोंट नो, मैं तो अभी आई हूँ तो मुझे इतना कोई खास पता नहीं है कि पाकिस्तानी कैसे हैं, बट पाकिस्तान कैसा लगा आपको? जी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि डोंट ब्लेम इंडिया, इंडिया को ब्लेम मत करो, जो आपकी गलतियां हैं, जो पाकिस्तानियों की गलतियां हैं वो माने, और माने के डाउनफॉल जो है वो अपनी वजह से ही आया है। जी माय नेम इज वेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वॉचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कुछ बातें की हैं। सबसे पहले तो जो उनकी बात है कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो चांद तक जा रहे हैं और पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ पा रहा है। तो नेबर कंट्री हमें पता है कि अभी इंडिया जो है उनका ये हुआ था, तो उन्होंने इंडिया को बात की कि इंडिया जो है वो चांद तक पहुंच गया और पाकिस्तान जो है वो जमीन से ही नहीं उठ रहा है। और एक और उन्होंने बात की है कि जो हम अपनी गलतियों का जो सारा मलबा है वो डाल देते हैं, इंडिया पर डाल देते हैं, अफगानिस्तान पर डाल देते हैं, अमेरिका पर डाल देते हैं, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को खुद मानो, और ये चीज़ आप जब तक तस्लीम नहीं करोगे, अपना डाउनफॉल किसकी वजह से आया, खुद की वजह से आया, आप तस्लीम नहीं करोगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने का भी कहा है कि हम बुरे रिलेशनशिप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम से और जानते हैं कि ये जो बातें की हैं उनसे पूछते हैं कि नवाज शरीफ की इन बातों से वो कितना एग्री करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलमान। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। गवर्नमेंट मुलाजिम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो चांद तक पहुँच गए लेकिन पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ पा रहा है, कितना एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है। कैसे ठीक है? आपके सामने ही है क्या? इंडिया चांद पे चला गया है, दूसरे ममालिक चले गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ना तरक्की कर रहा, ना पाकिस्तान से ये महंगाई खत्म हो रही है, ना गुरबत खत्म हो रही है, ना तलीम के शोबे में पाकिस्तान आगे जा रहा है। अच्छा, एक और बात उन्होंने ये भी कही है कि हमें, हम इंडिया को ब्लेम ना करें, अमेरिका को ब्लेम ना करें, अफगानिस्तान को ब्लेम ना करें, ये हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं, अपनी ही कोताहियाँ हैं जो हमारा डाउनफॉल आया हुआ है। तो इस बात से कितना एग्री करते हैं आप? इसमें दूसरे ममालिक भी शामिल हैं जिनकी साजिशों की वजह से ये सारा सारी सूरत हाल है, लेकिन ज़्यादा जो हमारी अपनी कोताहियों की वजह से है, हमारी अपनी कमी, अपनी हमारी अपनी खामियों की वजह से है। तो नवाज शरीफ जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम अभी बुरे रिलेशनशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? होने भी नहीं चाहिए बुरे रिलेशन, अच्छे रिलेशन होने चाहिए, हमारा साया मुल्क है, जो नफरतें हैं हमारे दिलों में वो ख़त्म होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसिफ लियाज। क्या करते हैं आप? मेरा पानी की दुकान है। अच्छा, नवाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है लेकिन पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इनके काम है ये सारा कुछ, नवाज शरीफ का भी काम है, इमरान खान भी काम है, ऐसा ये सारा मिली भगत है। लेकिन नवाज शरीफ ने तो कह दिया है ना कि आस पास बहुत तरक्की हो रही है और हम ब्लेम कर देते हैं, इंडिया पे ब्लेम कर देते हैं, अफगानिस्तान पे ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमारी अपनी कोताहियां हैं, क्या ओपिनियन है आपके इस बारे में? अपना ओपिनियन यही है कि
मुल्क के हालात जो हैं इनकी वजह से ही हैं सारे। अगर ये सारी तरक्की की तरफ जाएंगे तो फिर ही है। नवाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि मुझे तीन दफ़ा मौका दिया लेकिन तीन दफ़ा एक दफ़ा भी इन्होंने पूरी यानी कि कुर्सी से उतार दिया, टेन्योर मुकम्मल नहीं करने दिया, अगर करने देते तो तरक्की आती। ये सब झूठ है। अच्छा। कोई नहीं है, पूरा मिले किसी को आधा मिले कोई चक्कर नहीं है इसका। इनको पूरा मिल भी गया इन्होंने यही रहना है, इनके हालात यही रहने हैं, यही हालात रहेंगे, यही रहेंगे। शुक्रिया। अच्छा नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच चुका है लेकिन पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ रहा है, क्या कह रहे हैं? ये सही बात है नवाज शरीफ का। सही बात है नवाज शरीफ। पसंद है आपको नवाज शरीफ? हाँ। कितना पसंद है? बहुत पसंद है। तो नवाज शरीफ ने ये जो बात कही है आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है इस बारे में? किस चीज का राय? ये जिसने कहा है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है, ये सही बात है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अच्छा एक और बात भी की है, वो ये कह रहे हैं कि हम जो ब्लेम करते हैं इंडिया को, अफगानिस्तान को, अमेरिका को हर चीज में, ये कोताहियां हमारी ही है, हमारी ही गलतियां हैं। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? मैं क्या बोलूं? लगता है आप बताएंगे क्या ओपिनियन? मुझे लगता है कि हमें में से किसी को भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए सिरे से, और मैं इंडिया जाना चाहूंगी। इंडिया जाना चाहेंगे? जी। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा इंडिया से, तो मेरा ख्याल है हम दोनों इंडिया जाना चाहेंगे। वो और आप दोनों मिलकर इंडिया जाना चाहेंगे? मेरी दोस्त है वो, क्या मतलब, मेरी दोस्त है इंडिया। अच्छा, से मैं उसके साथ जाना चाहूंगी इंडिया। अच्छा एक और बात की है नवाज शरीफ ने, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया लेकिन हम पाकिस्तानी जमीन से नहीं उठ रहे हैं, क्या कहना? मैं तो आगे नहीं बढ़ पा रहे जमीन से इनको। मेरा ख्याल है हमें सबको पानी के नीचे रहना चाहिए और जमीन पे रहने का कोई सीन नहीं है। वैसे भी कराची पाकिस्तान से नीचे है। हाँ। मतलब पाकिस्तान कह रहा हूँ, जमीन के नीचे, सी लेवल से नीचे, पानी से नीचे कराची। हम कराची में रहना चाहेंगे। कराची हाँ। में रहना चाहेंगे। अभी तो आप इंडिया जाना चाह रही थी। कराची फिर भी एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा इंडिया तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। कराची में रहेंगे, इंडिया में फिर बॉम्बे या दिल्ली। दिल्ली रहना चाहूंगी मैं। दिल्ली जाना चाहेंगी? इसके साथ चलो गोलगप्पे वगैरह कुछ खाने के लिए जा सकते हैं, मगर वैसे मैं दिल्ली में रहना चाहूंगी। दिल्ली में रहना चाहेंगी। और कोई बात मेरा? आ जाएगा आपका इंटरव्यू, पब्लिक रिएक्शन शो पे आपका इंटरव्यू आएगा। एक और नवाज शरीफ ने बात की है कि हमें इंडिया के साथ ना अच्छे रिलेशन करने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ अपनी बात करे। आपके रिलेशन? मेरे भी दोस्त हैं इंडिया के, बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं मेरे उनके साथ। मतलब कितने अच्छे रिलेशन है आपके, इंडिया में कितने दोस्त हैं? यूं साथ साथ होते हैं हम दो, इंडिया पाकिस्तान। अच्छा कितने दोस्त हैं आपके इंडिया में? हमारे काफी सारे, 50 से ऊपर दोस्त इंडिया में हमारे। कहाँ बात कहाँ होती है? बात कहाँ? यहाँ पे कॉल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। जी जी जी, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बातें होती है हमारी। वो आते भी है पाकिस्तान मिलने, हम भी मिलते हैं उनसे। है ना बैन है, वीजा ही नहीं मिलता आपको मिलवाते हैं इंडिया से? हाँ वीजा ही नहीं मिलता। जी वीजा नहीं मिलता, वो इधर ही रहते हैं। आप इधर ही रहते हैं? तो उन्होंने इंडिया की छोड़ दिया जब पार्टीशन हुई थी ना, तो फिर उनकी फैमिली यहाँ आ गई थी। अच्छा वो जो इंडियन दोस्त हैं आपके, वो क्या बताते हैं इंडिया के बारे में? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और हम कभी इससे ज्यादा बातें करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात हम वैसे भी नहीं करते। क्या बात करते हैं? हम बातें करते हैं कि अगर पेप्सी के अंदर हम पीनट्स डाल के खाएं तो कितना मजे का लगेगा, हमारी ऐसी बातें होती हैं। चलें जी शुक्रिया। ट्रीटमेंट किसी हद तक ठीक है लेकिन उनका भी क्राइटेरिया, वो तीन दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका होना चाहिए ना कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या किया है। और फिर पीछे हिस्ट्री रही है, ये अभी की बात नहीं, ये 73-74 ईयर्स से ये सिलसिला चल रहा है। तो इसमें सिर्फ एक पॉलिटिशियन को नहीं हम कह सकते, इसमें सारी जिम्मेदार हैं। और बाकी किसी हद तक स्टेटमेंट ठीक है लेकिन हमें, मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट देने के बजाय सॉल्यूशन एंड की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके हम इस तरह स्टेटमेंट से दें चांद पे पहुंच गए। जो भी स्टेट्स पहुंची हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट की हैं, जो प्रोग्रेस कर रही हैं, उन्होंने कोई अमली तौर पर इकदाम भी किए हैं। हम लोग अभी तक उधर ही घूमी जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर इंटरव्यूज, फिर आगे से टॉक शोज वगैरह, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं। नवाज शरीफ ने एक और बात भी ये कही है कि जो हम ब्लेम करते हैं इंडिया को, अफगानिस्तान को, कि कोई भी मसला हुआ पाकिस्तान में, कोई भी ज़रा सा मसला हुआ, हम कहते हैं इंडिया की वजह से हुआ है, इंडिया ने करवाया, अफगानिस्तान ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, तो वो ये कह रहे हैं कि किसी मुल्क पे हमें ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं, अपनी ही कोताहियां हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, किसकी गलती है? पाकिस्तानी आवाम की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, या फिर आर्मी की गलती है? नहीं इसमें आर्मी को नहीं हम कह सकते, इसमें देखें एज ए इंडिविजुअली हमें पहले हम किसी को पॉइंट आउट करना बड़ा आसान होता है कि उसकी गलती है, लेकिन हमें अपने तौर पर देखना चाहिए हम कितना की ठीक कर रहे हैं, हम इस मार्केट में फिर रहे हैं, हम कितने रूल्स को कर रहे हैं फॉलो, कितने वायलेट कर रहे हैं। पहले अपनी जात से शुरू करना चाहिए, फिर किसी को क्लेम करना चाहिए।
लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने अपनी जात से ही शुरू किया ना, उन्होंने अपनी जात से शुरू किया। उन्होंने कहा कि बाहर किसी भी मुल्क की गलती नहीं है, पाकिस्तान की अपनी कोताहियां हैं। पाकिस्तान में किसकी गलती है? पाकिस्तान में आवाम की भी गलती है, हुक्मरानों की भी गलती है। देखिए, मैं पहले भी आप कह रहा था, हमें इस एंड पे खड़े होने की जरूरत नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, इन मसाइल का हल क्या है, निकालेगा कौन। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, हर कोई जाएगा वोट लेने, सब बातें करेंगे, लेकिन बात यह कि सोल्यूशन एंड पे कोई नहीं आता। सारे वही सियासत, वही इलेक्शन, फिर सब कुछ। अवाम का क्या भला हुआ, अवाम को किसने फायदा पहुंचाया? अच्छा, एक और भी बात आई है कि हम इस वक्त एज अ नेशन, पाकिस्तान जो है वो अच्छे, उसको चाहिए कि वो इंडिया से अच्छे रिलेशन रखे, ट्रेडिंग शुरू करे, बिजनेस ट्रेडिंग हो और यू नो तबादला हो ख्याल का भी, चीज़ों का भी। उसके अलावा हम गंदे रिलेशन इंडिया से अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल, कोई भी अगर जियोग्राफिकली, इंडिया भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरह चाइना वगैरह, लेकिन जारी सी बात है उनसे हमारा एक ट्रेडिशनली उनसे एक क्लैश चल रहा है। ट्रेडिशनली क्लैश क्यों है? वो बस उसकी वजह अब वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम कुछ उनको नहीं एक्सेप्ट करते, वो स्पेस नहीं देते। अभी हमारे वहाँ पे जो मुस्लिम के साथ सलूक हो रहा है, बहुत गलत बात है। यहाँ पे जो है वो इंडिया में, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि वो माइनॉरिटी है, मुसलमान बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको हिंदूज हैं उतने ही हैं और उनको राइट्स भी मिलते हैं। नहीं मिलते जितने यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको पाकिस्तान में इधर मुसलमानों को क्या राइट्स मिल रहे हैं इस वक्त? मुसलमानों को आप अपनी इबादत कर सकते हैं, इबादत गाहों में, इबादत गाहें वहाँ पे भी है, मस्जिदें इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, वहाँ पे चर्च भी है, यहाँ पे भी चर्च है। लेकिन वहाँ पे जब आप अपने स्लॉटर हाउस वगैरह में जाते हैं ईद पे, तो वहाँ पे वो आपको अगर आप करते हैं कुर्बानी वगैरह, तो वो जो वहाँ पे उनके एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो वो आपको मर्डर कर देते हैं। आपको नहीं लगता कि एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे मौजूद होते हैं? फिर पाकिस्तान और इवन चाइना में भी, हम कहते हैं ना कि सी पैक है, पाक चीन दोस्ती, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट मौजूद है और कुछ चीजें होती है। तो आई थिंक माइनॉरिटी के साथ एक आधा केस पाकिस्तान में भी आ जाता है, चाइना में भी आ जाता है, इंडिया में भी आ जाता है, लेकिन फिर भी। लेकिन आप जब आप बात करते हो फॉरेन पॉलिसी की, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी खराब नहीं करते हो ममालिक के साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ज्यादा लोग पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखें, डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, अगर होता भी है किसी के साथ कोई गलत काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट कम से कम उसको जो है ना अप्रिशिएट नहीं करती। अगर कोई मुस्लिम भी करता है तो उसका ट्रायल होगा, उसको सजा भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशल उनको प्रोटोकॉल देती है, नहीं उनको ट्रायल नहीं करती उनका। मुस्लिम स्टेट में जहाँ उनके हैं वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहाँ पे उनके साथ क्या हो रहा है, उनको पूरे राइट्स नहीं, इबादत गाँव में नमाज़ नहीं पढ़ने। मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यूज देखे, इंडियन मुस्लिम बेसिकली वो हैं, मुसलमान भाई हैं, लेकिन वो इंडियंस हैं, वो कहते हैं हम इंडियंस हैं और हम बहुत, यानी कि ना प्राउडली वो इस बात को कहते हैं कि हम इंडियंस हैं और हमें कोई मसला नहीं है। और वो ये कहते हैं कि आप अपने मसले देखो कि आपका डॉलर कितना ज़्यादा हो चुका है, आपकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, डाउनफॉल चल रहा है, और आप कह रहे हो कि हमारे मसले, आप अपने मसलों की तरफ देखें। उनकी बात, वो उनका कोई भी जो मुस्लिम है वो ये बात नहीं करेगा, वो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं बैठे बीजेपी वगैरह के, वो ही ऐसी बातें करते हैं। जो जिनके साथ बुरा सलूक हो रहा है वो कभी भी नहीं ऐसी बात करेंगे। पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी बात है एज अ मुस्लिम भी कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं जो उनके साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में मैंने जिस तरह पहले कहा माइनॉरिटी का वाकया हुआ भाई पीछे जड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे स्टेट ने एक्शन लिया है, यहाँ पे उन्हें जो प्रमोट नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ पे ये चीज़ अप्रिशिएट कहीं पे भी नहीं होता, दुनिया में जब भी जुल्म होता है तो अप्रिशिएट कहीं पे भी नहीं किया जाता, लेकिन उसका ट्रायल नहीं ना करते। जिस तरह से तरीकाकार उन्हें जो है वो देते नहीं, सजाएं नहीं देते। पाकिस्तान में कम से कम ये कि जितना भी करते हैं उनको एक तरह से उनसे बेहतर ही है। अच्छा, चले जी, हमारे भाई को लगता है कि माइनॉरिटी पे जो, यानी कि जो जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं वो बहुत बेहतर है, बात करते हैं बाकी पाकिस्तानियों से। लेट्स गो। कि इंडिया से कहाँ से? इंडिया से, मुंबई से। मुंबई से यहाँ कैसे आ गई आप? मेरा एडमिशन करवाना है यहाँ पे। एडमिशन आप क्यों कर रहे हो? लाइक ये सिर्फ एक रोड शो होता है, हम ऐसे ओपिनियन लेते हैं। कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है, चैनल पे होता है, पब्लिक रिएक्शन शो, पब्लिक रिएक्शन शो के नाम से है। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? आप मुझे बताएं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? मैंने तो LMDC में एडमिशन लिया है। हो गया एडमिशन, कहाँ से आई हैं? मुंबई से। मुंबई से आई हो? मुंबई में कहाँ रहती हो? मुंबई में कहाँ रहती हूँ? कहाँ रहती हैं, जगहें होंगी ना वहाँ पे भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मार्केट के पास घर है। कौन सी मार्केट के पास? अच्छा, इंडियन कैसे लगते हैं आपको? इंडियन कैसे लगते हैं? इंडियन अच्छे लगते हैं, आई एम इंडियन, आई एम प्राउड इंडियन। कैसे लगते हैं? आई डोंट नो, मैं तो अभी आई हूँ तो मुझे इतना कोई खास पता नहीं है कि पाकिस्तानी कैसे हैं, बट पाकिस्तान कैसा लगा आपको? These are my friends और हम लोग फर्स्ट ईयर से हैं और मेरा एडमिशन हुआ है, मेरा पहला दिन है और ये मुझे यहाँ पे घुमाने लेके आई है। अच्छा, मुझे मतलब कितना पाकिस्तान कैसा लगा जितना भी देखा आपने? अभी मुझे आए हुए 1 week हुआ है। अच्छा, इंडिया कैसा लगता है? आई लव इंडिया। यू लव इंडिया? हाउ मच? कितना पसंद है? एज मच यू लव पाकिस्तान आई लव इंडिया। आपको बेटर, ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है?
Which one is better? I love India. मुझे इंडिया ज़्यादा बेटर लगता है. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या हूँ. क्या ऐसे ही देख रहे हैं? टीका लगाया है इसलिए देख रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं मंदिर से होके आई हूँ ना. मंदिर में क्या किया? या यहाँ पे एक बैक साइड में मंदिर है. मंदिर पे जो करते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं, आरती करते हैं. सुनाओ, वो एक होता है ना, क्या कहते हैं? ओम जय जगदेश हरे, स्वामी जय जगदेश हरे. दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू. बस इतना ही होता है? नहीं, पूरा होता है. मैं क्या, थोड़ा और बोलो, थोड़ा और. नहीं, बस इतना काफी है. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज वेरिया. व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज वेरिया. माय नेम इज राधा. राधा? यस. कृष्ण किधर है? कृष्णा किधर है आपका? राधा? अभी मुझे पता चला है यहाँ पे है एक 32 चौक पे एक कृष्ण मंदिर है. अच्छा, मंदिर है, वहाँ पे जाना है आपको. अच्छा, इंडियन फूड ज्यादा अच्छा होता है? इंडियन फूड अभी मैंने ट्राई किया है. इंडियन फूड यहाँ पे मोमोज एंड वो अच्छे थे. इंडिया में इंडियन फूड कैसा मिलता है? इटली, इंडिया में स्ट्रीट फूड अच्छा मिलता है. कौन कौन से नाम बताए मुझे इंडियन फूड? वड़ा पाव, ठीक है, और ये मोमोज वगैरह हम बहुत खाते हैं. आई एम अ वेजिटेरियन. आपको चार नाम भी नहीं पता इंडियन फूड के? बताओ. तो मुझे पता है तो मैं आपको बताया ना. इडली, डोसा, सांबा, कुछ नहीं पता इसका. विच डोसा, विच सांबा, पता है मुझे, लेकिन हम नहीं खाते ना. क्यों नहीं खाते? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं. तो डोसा तो आई थिंक वो होता है ना, शाकाहारी लोग खाते हैं. बेसन का होता है डोसा. हां, तो बेसन में क्या मसला है? बेसन नहीं खा सकते? आई एम एलर्जिक टू बेसन. अच्छा, यू आर एलर्जिक टू बेसन, लेकिन पता तो होता है. पाकिस्तान में कौन सा खाना मुझे का लगा? पाकिस्तान में मुझे अभी तो वही करी चावल और कढ़ी चावल. यस, और कोरमा जो मेरे हॉस्टल में बनता है, बिकॉज़ आई एम अ हॉस्टलाइट हियर. अच्छा, यस. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो चांद पे पहुंच गई है. हाँ, पाकिस्तान जमीन से नहीं उतरा है. क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पाकिस्तान जमीन से नहीं उतरा है? पाकिस्तान जमीन पे ही तो है. जमीन से ही नहीं उठ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तरक्की नहीं कर रहा है. ओपिनियन ऑन दिस? ये मुझे तो नहीं पता, आप पाकिस्तानियों को बताओ आप क्यों नहीं उठा रहे. तो इंडिया चांद पे चला गया, इस बारे में क्या कहना चाहोगी? वो तो चला गया है. इंडिया में महंगाई नहीं है इतनी, यहाँ पे बहुत है. 150 रुपए का थोड़ी मिलता है यार, क्या हो गया है? फिर कितने का मिलता है वहाँ पे? हमें तो 50 रुपीज में चना चाट मिल जाती है, यहाँ तो 150-200 में मिलती है. 50 की चना चाट नहीं होती, सस्ती होती है. 50 में एक आपको बड़ी प्लेट चना चाट की मिल जाती है इंडिया में. बताओ इंडिया वाले कितनी चना चाट 50 रुपए में मिल रही है? हाँ, मिल जाती है ना. मुझे तो शक सा हो रहा है. लेकिन क्या शक हो रहा है आपको? इंडिया की लग नहीं रही हो. चार इंडिया के लव्स बताओ. इंडियन लव्स? इंडिया के लव्स इंडियन, क्या कहते हैं उसको? हिंदी बोलो. हिंदी, हिंदी जबान, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग करें. अच्छा, वैसे बहुत देर हो गई है. ओके बाय. देखा, नहीं आती भाई, नहीं आती. इंडिया की नहीं है. अभी शुगर लगा रही है लड़कियां, चलते हैं जी. वह ना जो वो मुल्क के लिए कुछ बेहतर है. बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है. वो इसलिए बेहतर है कि मुल्क की ये लोग छड़के बनाते हैं. हाँ जी. मुल्क के लिए सरमायाकारी इधर लेके आते हैं, और ये मुल्क के लिए ना गरीबों के लिए कुछ रिलीफ देते हैं. आगे आ जाता है. नवाज शरीफ को आप पसंद करते हैं? नवाज शरीफ को? मैं किसी पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता. नवाज शरीफ ने एक लेकिन बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इस वक्त. भाई स्टेटमेंट तो सुन लो. उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ रहा. क्या ओपिनियन है आपका? ये बात नहीं है. पाकिस्तान में कुदरती साइल बहुत पाए जाते हैं. बहुत माशाल्लाह, बहुत पाए जाते हैं. लेकिन इधर जो चलाने वाले हैं ना, वो इसे ठीक नहीं चला रहे. सारा निजाम चलाने वाले कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? ये 40 साल से तो मियां साहब बैठे हुए हैं, तो कौन चलाएगा? मियां साहब ये कह रहे हैं कि 3 दफा मियां साहब जो है ना वो बकवास कर रहे हैं. सिंपल सी बात ये है. वो कह रहे हैं मैं 3 दफा आया, मुझे टेन्योर मुकम्मल नहीं करने दिया. तो इनकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ ना. अच्छा, मियां साहब ने अभी एक और बात की. वो कह रहे हैं कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ रहा. तो इनकी वजह ही है ना, वजह तो इनकी है. एक और भी बड़ी बात कर रहे हैं. कह रहे हैं कि हम जो डाल देते हैं ना, ब्लेम कर देते हैं इंडिया पे, अफगानिस्तान पे, अमेरिका पे, उनकी कोई गलती नहीं है, ये गलती हमारी ही है. आखिर गलती वो किसकी कहना चाह रहे हैं? अवाम की या फिर फौज की? अभी तक वो कहते नहीं थे कि वोट को इज्जत दो. मुझे लगा उसमें वो जनरल जनाली का नाम लेते थे, बाजवा का नाम लेते थे. जब वो बाहर चले गए हैं, चार्ल्स उन्होंने बाहर भेजा और रिलीफ दिया. 4 साल के बाद उन्होंने जब बुलाया तो बात, अब तो नहीं कहते कि वोट को इज्जत दो, अब तो कहते हैं बूट को इज्जत दो. क्या मतलब? देख नहीं रही क्या हो रहा, सारा उनके लिए सेट हो रहा है. लेकिन उन्होंने कुछ सही बातें भी की हैं. बातों करने से मैडम कुछ नहीं होता. मैं भी बहुत अच्छी बातें कर लूंगा यहाँ पे खड़े होके. बातों से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना पड़ेगा. ये भाई कहते हैं जी वो गरीबों के लिए सड़कें बनाएंगे. सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता भाई. ये मैडम जी ये बात है कि सड़कें बनाने से भाई आप ये बता देंगे क्या होगा?
सड़कें बनाने से गाड़ियां चलेंगी ना भाई। गाड़ी से तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मेट्रो तो चल रही है ना, मेट्रो तो नुकसान में जा रही है ना। आप मेट्रो पे कितना सूद दे रहे हैं, 2035-40 तक आपने उसके ऊपर सूद देना है। और इन ट्रेन पे आपने सूद देना है, वो नहीं है। आप तालीम दें लोगों को, शऊर दें, हॉस्पिटल बनाएं। उनके उन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया 40 साल के जहाँ पर उनका अपना इलाज हो सके। बनाया 4 साल वो बाहर बैठे ने कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता। अब दोबारा आ रहे हैं, जो 24 करोड़ का मुल्क है और उसकी वजह वो भाग दौड़ कर सकते हैं। 75 साल के हो गए, अभी तक तो वो बीमार थे। बंदा एक ही है जो जेल में है, वही है और वही चलाएगा और वही चला सकता है। अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में। इंडिया हमारे से आगे नहीं, हमारे से आगे तो बांग्लादेश भी चला गया। उनके हमारे 28 रुपये हैं, उनका 1% है। जब तक अफगानिस्तान अब आज़ाद हुआ है, 20 साल जंग लड़ के उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है। अभी 1 साल नहीं हुआ उनको, इधर कुछ भी नहीं है मैडम। और कुछ पूछ रहे हैं? एक और जो बात चल रही है कि इंडिया के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि हम बुरे रिलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी इकॉनमी बहुत डाउन हुई हुई है, ट्रेडिंग बिल्कुल खत्म हुई हुई है, तो अच्छे रिलेशन रखना कितना जरूरी है। वो तो है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। जैसे हमारे अभी काकड़ साहब ने फरमाया कि कायदे आजम ने कहा हुआ कि फलस्तीन पे जो हमारा मौकफ है कायदे आजम का, काकड़ साहब ने कहा यह कोई हदीस नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरह ही है, काम चल रहा है, लेकिन जब तक खान नहीं आएगा कुछ भी नहीं हो सकता। शुक्रिया। तो जी, जैसे कि आपने भी नवाज शरीफ की स्टेटमेंट सुनी है भाई, इतनी ज्यादा स्टेटमेंट दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें थी वो मुझे काफी दुरुस्त लगी है। उन्होंने जो भी अपनी स्टेटमेंट दी है, अच्छे रिलेशंस रखने की बहुत जरूरत है। और एज ए नेबर भी, और आप यार वैसे भी देखो तो इतनी एक तरक्की याफ्ता एक मुल्क है, तो वाई नॉट कि आप भी अपने रिलेशन अच्छे करो। और हमारे नेबर कंट्री है यार, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन करो, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन करो, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा बेहतर करो ताकि पाकिस्तान में भी तरक्की हो। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट करे, अपने रिलेशन अच्छे करे। और वाकई ही उन्होंने जो बात की है कि पाकिस्तान जो है वो जमीन से ही नहीं उठ रहा है, तो भाई उठाने वाला आखिर कौन है? अगर वो नवाज शरीफ हमारे एक है ना गवर्नमेंटल ऑफिशियल ही है, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया चांद पर है, पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ रहा, तो भाई किसने उठाना है? ये भी मुझे बता दें नवाज शरीफ के उठाना किसने है। और आप भी मुझे बता दें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।